दोस्तों आज मैं आपको इंस्टाग्राम की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंस्टाग्राम के यूज़र हैं तो आपको ये सेटिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि आपके इंस्टाग्राम बेहतर से बेहतर हो सके। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं मुस्तफा टेक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि हम अपनी इस वीडियो को शुरू कर सकें। सबसे पहले आपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं हुआ तो ये सेटिंग्स नहीं होगी। आपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। देन इसके बाद इसको ओपन करें, तीन लाइन पे क्लिक करें ऊपर वाली साइड पे। देन आप अपनी सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएं, नीचे सबसे आपको नज़र आ रहा है। देन आपको सामने यहाँ तीसरे नंबर पर प्राइवेसी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप पहले नंबर पर जो सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्राइवेट अकाउंट। ये एक कमाल की सेटिंग है, इसको करने से आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कोई भी देख नहीं सकता और ना ही आपको कोई टैग कर सकता है और ना ही आपके साथ कोई मेंशन कर सकता है। इसको आप इस पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। ये देख लें, आपको अब नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी फोटोज और वीडियोस नहीं देख सकता बगैर आपके फॉलोअर्स के, और ना ही आपके जो फॉलोअर्स होंगे वही आपको टैग भी कर सकते हैं और वही आपको मेंशन भी कर सकते हैं। इस पर स्विच टू प्राइवेट पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अनेबल हो जाएगा, आपको नज़र आ रहा। दूसरे नंबर पर जिस सेटिंग को रखा गया है वो है एक्टिविटी स्टेटस। ये सेटिंग भी बहुत ही कमाल की है। इसको अनेबल करने से ये होगा कि आपके कब ऑनलाइन हुए हैं और कब ऑफलाइन, ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। आपके कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते हैं जो आपको जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको फौरन ही मैसेज कर देते हैं। इसको अनेबल करने से आप बच सकेंगे। ये सेटिंग को अनेबल कर लें ताकि आप इन जैसी चीज़ों से बच सकें। ये भी बहुत ही कमाल की सेटिंग है। ये सेटिंग करके आप अनेबल, इस सेटिंग को करने के बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप इंस्टाग्राम पर कब ऑनलाइन हुए हैं और कब नहीं हुए। तीसरी, अब जो मैं आपको इंस्टाग्राम की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ वो सेटिंग सिक्योरिटी के हवाले से है। अगर आप इस सेटिंग को करेंगे तो आपके कोई भी आपको हैक नहीं कर सकेगा, ना ही आपका अकाउंट कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर इसको ओपन कर सकेगा। आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चौथे नंबर पर सिक्योरिटी का ऑप्शन, आप इस पे जाएं। देन आपको यहाँ पे चौथे नंबर पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। यहाँ से आप वो मेथड सेलेक्ट करें जिससे वो आपको OTP वगैरह भेजें, इस पर सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आपको आप इससे पहले आपका यहाँ पे आप नंबर मांगेगा, आपने वो अपना नंबर देना है और यहाँ पे आपको 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP आने के बाद आपने ओके कर देना है और उसके बाद आपको कुछ वो कोड देगा जो कि ऑप्शनल होंगे। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे यहाँ पे OTP आ गया, कोड्स पे क्लिक करेंगे आपको कोई नया कोड आ जाएगा। इससे आपका कोई भी हैकर आपके इंस्टाग्राम को हैक नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरा पर्सन, बेशक इसको आपका पासवर्ड वगैरह भी पता चल जाए फिर भी वो आपके इंस्टाग्राम को ओपन नहीं कर सकता। इन कोड्स के होगा तो फिर ही वो करेगा। अब चौथे नंबर पर जो जिस सेटिंग को रखा गया है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टोरीज आप जो भी अपलोड करें तो आप इस पर कोई भी आपको रिप्लाई वगैरह ना कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कुछ रिप्लाईज ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको रिप्लाई ना कर सके तो आपको चाहिए इस प्राइवेसी ऑप्शन वाले पे जाएं। देन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्टोरी का ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। देन आपको यहाँ पे अलो रिप्लाइज एंड रिएक्शन वाले ऑप्शन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से योर फॉलोअर्स होता है तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको ना कर सके तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दें। सेटिंग को रखा गया है वो है पासवर्ड चेंज। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया या वैसे ही आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएं। देन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। देन यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। देन यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड रखें जो भी है, देन अगेन आप यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड रखें। देन लास्ट पे न्यू पासवर्ड को अगेन करें, पुट करें और देन यहाँ पर आप अगेन पुट ऊपर वाले पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। नंबर पर जिस सेटिंग में रखा गया है वो है डार्क मोड। अगर आप अपने इंस्टाग्राम को भी डार्क मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये करना बहुत ही आसान है। आपको नज़र आ रहा होगा इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएं। देन आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर जाएँ। देन यहाँ पर आपको डार्क ऑप्शन नज़र आएगा। देन इसको इस पर क्लिक करने के बाद आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल डार्क हो जाएगा।
नंबर पर जो सेटिंग है वो है पुश नोटिफिकेशन। अगर आप पोस्ट कमेंट्स एंड रैकिंग की नोटिफिकेशन से तंग आ चुके हैं तो आपको ये सेटिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। इस सेटिंग को करने से आप अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल सुकून से रहेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएं, देन आपको सेकंड पे ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से पॉज ऑल पे क्लिक करें। पॉज ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से कुछ भी, जितने भी आप मिनट और हार सेलेक्ट करना चाहते हैं, इतने के लिए आप बिल्कुल कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। और अगर आप मैन्युअली सेलेक्ट करना चाहते हैं, पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट्स पे जाएं, देन यहाँ से आप सबके पर ऑफ ऑफ कर दें। ये सारी सेटिंग्स को ऑफ करने के बाद आपको ये कोई भी पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट्स वगैरह की कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर आप फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स की नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इन सारी सेटिंग्स को ऑफ कर दें, जिससे आपको किसी तरह की भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप बिल्कुल सुकून से रहेंगे। और अगर आप मैसेज की सेटिंग करना चाहते हैं और मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहां से भी आप अपने सारी सेटिंग्स को ऑफ कर लें। नंबर पर जिस सेटिंग को रखा गया है वो है अपने अकाउंट को डिलीट किस तरह करते हैं। अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएँ, देन यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकेंड पे हेल्प सेंटर पर क्लिक करें। यहाँ से जस्ट वन पे क्लिक करें। किसी भी ब्राउज़र में ओपन होने के लिए यहाँ पे आप लिखें डिलीट अकाउंट और डू आई डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा टेम्परेरी डिसेबल योर अकाउंट। अगर आप टेम्परेरी अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो टेम्परेरी कर सकते हैं, और अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर परमानेंटली डिलीट होने के बाद अगर 30 दिन के अंदर अगर आप इसको दोबारा लॉगिन करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसके 30 दिन के बाद एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपका सारा डिलीट हो जाएगा। आपका पेज वगैरह, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएगा। नंबर पर जिस सेटिंग को रखा गया है वो है हाइड ऑफेंसिव कमेंट। आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपने इस पे प्राइवेसी पे क्लिक करें। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हाइड ऑफेंसिव कमेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस पे जितने भी बैड कमेंट्स होंगे, यानी कि जिनको आप पसंद नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। और आप यहाँ से किसी भी कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं और किसी भी कमेंट्स वगैरह को मैन्युअली फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि कौन से कमेंट्स आपको आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। दसवें नंबर पर जिस सेटिंग को रखा गया है वो है मैन्युअली प्रूफ टैग। अगर आप टैग्स से तंग आ चुके हैं तो आप इस सेटिंग को करके इससे बच सकते हैं। जैसे कि आपको हर कोई अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ में टैग करता रहता है और वो आपकी टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं, आप इस सेटिंग को करके इस चीज़ से बच सकते हैं। आपने सेटिंग में जाना है, देन आपने यहाँ पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टैग का ऑप्शन नज़र आ रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन नज़र आ रहेगा मैन्युअली टैग्स, अप्रूव टैग्स। मैन्युअली अप्रूव टैग्स पे जाके इस पे इस सेटिंग को अनेबल कर दें। इस सेटिंग को अनेबल कर दें। इस सेटिंग को अनेबल करने के बाद आपको जो भी टैग करेगा उसकी पहले यहाँ पे पेंडिंग टैग्स आएगी, यानी कि रिक्वेस्ट वो आएगी। अगर आप इसको अप्रूव करेंगे तो देन ही वो आपको टैग होगा। और एक और सेटिंग ये है कि अगर यहाँ देखने ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अलो टैग्स फ्राम, अगर आप नो वन कर देंगे तो कोई भी आपको टैग ही नहीं कर सकता। 11वें नंबर पर जिस सेटिंग को रखा गया है वो है लॉगिन एक्टिविटी। इस सेटिंग की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं हुआ, और इसी सेटिंग की मदद से आप ये भी जान सकते हैं कि आपका अकाउंट कब और किस डिवाइस पर और कितने बजे ऑन हुआ है और किस वक्त ये लॉग इन हुआ है। इस सेटिंग की मदद से आप पूरी डिटेल अपने अकाउंट की जान सकते हैं। आपने प्राइवेसी सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना है, देन यहाँ पे आपको लॉग इन एक्टिविटी का ऑप्शन नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको ये देख लें, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये लोकेशन नज़र आ रही है, और ये देख लें आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ और कब कब ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताएगा कि ये कहाँ पे और किस वक्त ये ऑनलाइन हुआ था मैं और किस वक्त नहीं हुआ था, इस सारी लोकेशन पे इस तरह ये बताएगा। नंबर 12 पर जिस सेटिंग को रखा गया है वो है मेंशन। आपने इंस्टाग्राम की सेटिंग को ओपन करना है।
वहाँ से आपको प्राइवेसी का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें। देन आपको इसी पे आना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेंशन का ऑप्शन। मेंशन के ऑप्शन पे इंस्टाग्राम की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी आपको मेंशन कर सकता है अपनी वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह के साथ, अपने अकाउंट के साथ आपको मेंशन कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी ना मेंशन करे तो आप यहाँ पे नो वन पे क्लिक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि जिनको आपने फॉलो किया सिर्फ वो आपको मेंशन कर सकते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिस तरह को आपको ठीक लगता है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप नो वन पे कर दें, इससे आपको कोई भी मेंशन नहीं कर सकेगा, इससे आपकी टाइमलाइन वगैरह में भी कोई पोस्ट वगैरह नहीं आएगी। इस तरह ये सेटिंग होती हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर मेरे इंस्टाग्राम पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।